नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द, सुरक्षा कारणों के चलते ये रैली रद्द की गई। फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट रुके रहे प्रधानमंत्री, रास्ता बंद होने की वजह से भटिंडा वापस लौटे। एमएचए ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट, पीएम की सुरक्षा को लेकर मांगी गई है रिपोर्ट। सुरक्षा में चूक पर जेपी नड्डा का पंजाब सरकार पर आरोप, पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है जो कि चिंताजनक है। प्रदर्शनकारियों को रूट तक जाने दिया गया, सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रास्ता बंद होने की वजह से प्रधानमंत्री भटिंडा वापस लौटे और ये बड़ी चूक मानी गई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। प्रदर्शनकारी रूट तक पहुंच गए और उसके बाद 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा रहा, जबकि इसकी सारी जानकारी पंजाब सरकार को दे दी गई थी, इस रूट की जानकारी दे दी गई थी। इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के रूट तक पहुंच गए, पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द कर दी गई है। और जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, जगत प्रसाद नड्डा ने, नॉट लेट्स अ चीप मेंटेलिटी हिंडर प्रोग्रेस। तो उन्होंने आरोप लगाया है पंजाब सरकार पर, और पंजाब एंड विल कंटिन्यू द एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। इट इज सेड दैट द पीएम्स विजिट टू लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ थाउजेंड ऑफ करोड़ फॉर पंजाब वॉज डिस्टर्प्टेड, बट वी विल नॉट लेट सच चीप मेंटेलिटी हिंडर प्रोग्रेस। तो ये ट्वीट किया है उन्होंने और कहा है कि पंजाब को सौगात देने, बड़ी योजनाओं का तोहफा देने प्रधानमंत्री जा रहे थे, लेकिन पंजाब सरकार ने इस वक्त जो किया है उसकी वजह से कोई भी इस पर असर नहीं पड़ेगा और पंजाब का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे। और अनिला सिंह जो बीजेपी नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, सीधा अनिला सिंह का रुख करते हैं। अनिला जी, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बेहद बड़ी चूक है और इसके साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री को फोन किया गया तो जिस तरह से खबरें आ रही है उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। देखिए, आज जो ये घटना हुई है वाकई में चौंकाने वाली है और सकते में लाने वाली है। किस प्रकार के ये मुख्यमंत्री हैं और इनको कहां से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं? हमारे भारत की सरहद के बाहर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री, किसी राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां पे लगा हुआ है, उनके राज्य में लगा हुआ है, पूरी प्रोटोकॉल होती है। वहां पे प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं, रास्ता रुक जाता है, बसेस स्टैंडर्ड कर दी जाती हैं। क्या है इनका, क्या दिमाग में क्या था? प्रधानमंत्री की हत्या कराने का मन था चन्नी को? उत्तर तो देना पड़ेगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो राजनीतिक दल है जिन्होंने अपने नेता को, इनकी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनको खोया है पॉलिटिकल असैसिनेशन में। कौन सा षड्यंत्र रच रहे थे? आज की तारीख में जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं ये लोग। अनिल जी, आपको लगता है ये साजिश थी? पंजाब सरकार ने जानबूझकर फोन नहीं उठाया, पंजाब सरकार ने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट पर आने दिया? 100% साजिश है, प्रधानमंत्री जी की हत्या कराने की साजिश है। मैंने तो कभी नहीं सुना, जहां तक मेरी समझ है या जानकारी है, मैंने आज तक भारत में इस तरीके से नहीं सुना किसी भी प्रधानमंत्री का दौरा लगे और उस राज्य का जो पूरा सिस्टम है, प्रशासनिक तंत्र है, प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो कराते हुए वहां पे प्रोटेस्टर्स को वे आउट दे दे, जाम लगवा दे, प्रधानमंत्री जाम में खड़े हुए। सीधी सीधी साजिश है, हत्या की साजिश। ये लगता है कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश थी प्रोटेस्टर को प्रधानमंत्री के रूट तक में जाने देने की, पूरी इजाजत देने के बाद उन्हें रोका नहीं गया? बिल्कुल। और फिर हिम्मत देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं केवल एक राज्य के और आप प्रधानमंत्री जी के यहाँ से फोन आ रहा है, फोन नहीं उठा रहे हो, फोन नहीं रिसीव कर रहे हो। मतलब एक ही चीज क्लियर होती है ना कि आप साजिश में साझेदार, उत्तर तो देना पड़ेगा, ये बच के नहीं जा सकते कांग्रेस वाले। अनिल जी, बताया गया था कि जो रूट की जानकारी थी, कार्यक्रम की जानकारी थी, वो पूरी स्टेट गवर्नमेंट को पहले से दे दी गई थी और उसके बाद भी इंतजाम नहीं किए गए। जो लगातार बोलता रहता है कि जहां सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहां कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सच हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है,
चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रायोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे? ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हुसैनीपुर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यहाँ पर रुक गया था, और ये तस्वीरें सीधा वहां पर आ रही हैं। और हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी जुड़ चुके हैं। तो सरफराज, आपने देखा ये तस्वीरें आई हैं और ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं। आपके राजनीतिक विरोध हो सकते हैं लेकिन कई चीजें हैं जिसमें आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही होता है। बिल्कुल रमन, आपने ठीक कहा। और आप जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी राज्य किसी भी जगह जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल बहुत होता है, और गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम तरह की जो जरूरी कार्रवाई होती है, जरूरी जो दिशा निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन 20 मिनट तक वहां पर इंतजार करना पड़ा, उससे बड़ी साफ है कि पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तो सुरक्षा में चूक हुई है और दूसरा कि फ्लाईओवर 15 से 20 मिनट तक रास्ता बंद होने की वजह से वहां पर रुके और उनको वापस भटिंडा रोकना पड़ा। जाहिर सी बात है कि एमएचएस पे पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगेगा, लेकिन उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका ये आरोप है कि उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद में 20 मिनट तक उनको वहां रुकना पड़ा, तो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा पेच है। और जो तस्वीरें लगातार आप भी और हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रोटोकॉल होता है रमन, आप जानते हैं, क्योंकि लगातार आप भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम रैलियों को कवर किया है, और भटिंडा से जो फिरोजपुर का जो रास्ता है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर बड़ी सौगात देने वाले थे, उसमें एक कहीं ना कहीं उससे पहले जो ये तस्वीरें और जो तमाम तरह की खबरें आई हैं बेहद परेशान करने वाली है। मुझे लगता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति बहुत बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगेगा, क्योंकि अब सरकार, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाएगा। और चूंकि तमाम जो अधिकारी हैं, नेता हैं, वहां पर लगे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि एमएचए अब लगातार रिपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहा है, और भगत सिंह से लेकर तमाम जो दूसरे शहीद थे उनको श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यानी ये आप आरोप है कि पंजाब सरकार ने जो शहीदों का अपमान किया है, जेपी नड्डा ने कहा है, क्योंकि कई बड़े विकास कार्य शुरू होने थे पंजाब में, उसका उनको शिलान्यास करना था और जब फोन नहीं उठाना, क्योंकि जेपी नड्डा ने उनको फोन किया, फोन नहीं उठाना, तो एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ है ये कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को भारी पड़ सकता है। बिल्कुल सरफराज, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और ऐसे में उनकी सुरक्षा में चूक होना ये ही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है, सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पंजाब पुलिस की लापरवाही रही है, मुझे लगता है कि इस पे पंजाब सरकार कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों पर एक्शन लेगी। और जो काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो सकती है। और आपको याद है कि लंबे वक्त से जो हमारे किसान भाई हैं देश में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सारे जो किसान थे वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, अगर ऐसे में कोई अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यही एक जो चूक हुई है, क्योंकि पंजाब पुलिस की चूक है, पंजाब सरकार की चूक है, और ऐसे में इस चूक पर जो सवाल के जवाब अब आ रहे हैं
वो कई बड़े सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय लगातार एक्टिव हो गया है, गृह मंत्रालय लगातार वहां से एक के बाद एक तमाम रिपोर्ट मांग रहा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली रद्द हुई है उसके पीछे की वजह क्या है। शहीदों के पास उनको जाना था, शहीदों के स्मारक पर उनको जाना था, वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाए। जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने उनको क्यों नहीं रोका। क्योंकि अब जिस तरीके से पंजाब के जो बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, उन्होंने भी कहा कि पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्योरिटी नहीं दी है, ये एक फेलियरपन है, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। ये अश्विनी शर्मा का एक बयान आया है जो वहां के प्रदेश के अध्यक्ष है। नैतिकता के आधार पर अश्विनी शर्मा जो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा मांगा है। क्योंकि एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिरोजपुर रैली में जाना था, जो रैली रद्द हो गई, उसके बाद में जो काफिला उनका गुजरना था, जहां पर जो देश के जो शहीद लोग थे उनके वहां पर जाकर फूल और मालाएं का उनको लोकार्पण करना था, और उसके बाद में 15 से 20 मिनट तक काफिला रोकना, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, जिस तरीके से पंजाब के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो सामने आ गए, इसके बाद धीरे धीरे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो अब इसके बाद उनके अंदर जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो देखने को मिलेगी। और लगातार जेपी नड्डा से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो चिन्नी से लेकर जो सरकार है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, ये बेहद अफसोसजनक है, चिंताजनक है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का काफिला 15 से 20 मिनट रुकना, ये अपने आप में कई बड़े सवाल रमन खड़े कर रहा है। और बिल्कुल सरप्राज, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हम जैसे जानते हैं कि बॉर्डर का इलाका है, फिरोजपुर की बात करें, हुसैनीबाग जहां प्रधानमंत्री जाने वाले थे शहीदों को, भगत सिंह को यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए, वहां पर उनको पुष्पार्पण करने के लिए उस शहीद स्मारक में, और सटा हुआ इलाका है, पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, थ्रेट लेवल हमेशा वहां हाई रहते हैं, अलर्ट लेवल पर रहता है, और ऐसे में फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी रुके रहना, उनका काफिला रुके रहना, ये बहुत बड़ा खतरा था जो कि टल गया, यही कह सकते हैं अभी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके से पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से दूर नहीं है, और लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से साजिश पे साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ करता रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और आपने ठीक कहा, क्योंकि एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी से मामला है, और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से वहां पर रुके रहे, यानी जो शहीद स्मारक था जहां पर उनको जाना था, उससे 30 मिनट पहले वो काफिला रुक गया, 30 किलोमीटर पहले वो काफिला रुक गया, और 15-20 मिनट तक हुआ। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी घटना हो जाती देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर, तो जिम्मेदार कौन होता। क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक जो मंसूबे हैं वो लगातार एक के बाद अंजाम दे रहा है। दूसरी बात, ये मालूम था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा पहुंचने वाले थे, उससे पहले इस तरह का हादसा होना, इस तरह की तस्वीरें रुकना, ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लापरवाही है वो पंजाब पुलिस की है, और मुझे लगता है कि जो गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के जो डीजीपी हैं उनसे जब रिपोर्ट मांगेगा तो वो रिपोर्ट देंगे। क्योंकि अब सिक्योरिटी का जिम्मा पंजाब पुलिस का था, पंजाब सरकार का था, और ये बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं की, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और लेकिन लगातार अब सरकार की तरफ से भी जवाब देना शुरू हो गया है, जो सुखविंदर सिंह रांधवा है जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने चूक जरूर हुई है, लेकिन उस पर अब सियासत बहुत तेज हो जाएगी। क्योंकि गृह मंत्रालय लगातार एक्टिव हो गया है, और आप जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मामला होता है तो इसमें सिक्योरिटी का मामला जुड़ जाता है। तो आज ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी चूक हुई है, और जेपी नड्डा ने जिस तरीके से पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हैं, अब देखते जाइए कि आने वाले टाइम में और इस पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है, ये गृह मंत्रालय भी मानता है, और इस बात को लेकर अब बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, इसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और बिल्कुल सरप्राज, आप देखिए कि जिस तरह से पूरा का पूरा किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जब भी बॉर्डर पर जब किसान जमा थे तो उनके बीच में हमने खालिस्तान के पोस्टर देखे थे, हमने ये भी देखा था कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है किस तरह से इस वक्त खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दे रही है, खालिस्तान को फंड कर रही है, और ऐसे में कुछ लोग जो कि पीएम रूट में आ जाते हैं वो कोई भी हो सकते थे, तो ये भी सबसे बड़ी चूक मानी जाएगी कि आखिर ये प्रोटेस्टर पीएम के रूट में आए कैसे, और इनके बीच में कोई भी हो सकते थे,
जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्रोटेस्टर ही थे। बिल्कुल, और देखिए ये एक एक विडंबना है हमारे देश में कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, ये पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन जिस तरीके से जो लापरवाही हुई है ये लापरवाही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्योंकि एक जिस तरीके से खालिस्तानी जब देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरा सकते हैं, जब दिल्ली में टांडम मचा सकते हैं, वो सारी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली है। और ऐसे में लगातार कृषि कानून को लेकर जो पंजाब की जो किसान थे या जो अराजक तत्व उसमें घुसा हुआ था वो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, लगातार उनके खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे, बार बार पार्लियामेंट की तरफ जाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया उसके बावजूद भी किसान भाई तो अपने घर चले गए थे, लेकिन जो असामाजिक तत्व थे, जो लगातार देश में असामाजिक गैंग है वो काम कर रहा था, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये एक तो कृषि कानून के जो एवज में जो लोग अराजक तत्व था जिसे हम लोग लगातार आंदोलनजीवी कहते हैं उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी और उनकी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। क्योंकि खालिस्तान जिस तरीके से एक्टिव है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुकना, अगर मान लीजिए कि बड़ी तादाद में भीड़ हो जाती या भीड़ उस तरफ बढ़ जाती तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि पंजाब पुलिस को ये सवाल जवाब देना होगा। दूसरी बात ये कि जो खबर मिल रही है एसपीजी बनाम पंजाब पुलिस, क्योंकि एसपीजी इस पूरे काफिले पर नजर बनाए रखी है, देश की सुरक्षा का जो मामला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एसपीजी देखती है। अब ये एसपीजी वर्सेस पंजाब पुलिस के बीच मामला है, गृह मंत्रालय वर्सेस पंजाब पुलिस का मामला है, केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार का मामला है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई है इस पर सवाल और जवाब अभी शुरुआत हो जाएंगे और आने वाले टाइम में आप देखना कि शाम होते होते इस चीज में कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सरफराज, आप देखिए कि जब भी प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो प्लान ए और प्लान बी तैयार होते हैं, जो अल्टरनेट रूट होता है वो भी तैयार होता है, और सबसे बड़ी साजिश या कहें सबसे बड़ी चूक इसी बात को लेकर सामने आती है कि गाड़ी और जो काफिला रुकता है वो ठीक फ्लाईओवर के ऊपर आकर रुकता है जहां से आपके पास बाहर निकलने का दूसरा कोई प्लान भी नहीं है, और इसी को लेकर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी चिंता बढ़ गई थी कि आखिर क्या ये कोई साजिश थी या फिर ये किस तरह से हो पाए हुआ है, चूक कैसे हो गई है। बिल्कुल रमन, देखिए आप और हम लोग लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां कवर करते रहे, लगातार उनके जो प्रोग्राम होते हैं हम कवर करते रहे। आप जानते हैं कि जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं मूव करते हैं, चाहे हेलीपैड की बात हो या हेलीकॉप्टर की बात हो या बाय रोड की बात हो, तो प्लान ए प्लान बी हमेशा तैयार रहता है। आप जानते हैं कि जहां जहां उनकी रैलियां होती हैं वहां दो दो हेलीपैड बनाए जाते हैं सिक्योरिटी रीजन की जगह से। अगर मान लीजिए कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीबाग वाले इस रूट से जा रहे थे और पंजाब पुलिस को क्या मालूम नहीं था कि वहां पर रोड ब्लॉक है, तो प्लान बी क्यों नहीं तैयार किया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि पंजाब पुलिस वहां पर थी, पंजाब पुलिस एस्कॉर्ट करती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे तो पंजाब पुलिस भी एस्कॉर्ट कर रही थी, क्या पंजाब पुलिस को ये मालूम नहीं था कि आगे वहां पर रोड बंद है, रोड ब्लॉक कर रखे, प्रोटेस्ट कर रखे? अगर था तो पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं एसपीजी को बताया, एसपीजी चूंकि वहां पर मौजूद थी तो अपना रूट चेंज कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सरफराज, और ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हैं जिसके जवाब बिल्कुल मिलने चाहिए, पूरे देश को इसका जवाब मिलना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी जो तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में अश्विनी शर्मा ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। और मुस्लिम की खराबी के कारण भाई रोड शहीदों की वहाँ पीछे करो सर पुष्पालने करने के लिए सड़क मार्ग को चुना, लेकिन पंजाब सरकार ने इस रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम वापस लिए। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलवीर जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, सीधा कुलवीर का रुख करते हैं। तो कुलवीर, सियासत तो शुरू हो गई है लेकिन किसकी चूक इस वक्त सबसे पहले सामने आ रही है यहाँ पर?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली तय हुई थी तभी से किसान संगठनों की इस तरह की चेतावनियां जो है वो सामने आने लगी थी कि उनका ग्रोथ किया जाएगा। यानी अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस जाना पड़ा है और सुरक्षा कारणों की वजह से उनका रास्ते से ही उनको वापस लौटना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जो है वो पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है, पंजाब सरकार की चौकसी पर उठ रहा है और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनकी चौकसी पर उठ रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इसलिए रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि आगे किसान जो है उनका विरोध करने के लिए खड़े थे और उनकी सुरक्षा को जो है वो खतरा ऐसे में कहा जा सकता है। हालांकि रैली स्थल से कई कई किलोमीटर तक पंजाब पुलिस लगा दी गई थी और जो किसान विरोध स्वरूप रैली स्थल पर पहुंच रहे थे उनको रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चूक और इतनी बड़ी लापरवाही। सबसे बड़ी बात यह है कि रैली तो रद्द हो गई थी, वो हुसैनीबाग जा रहे थे, रास्ते में फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुका रहा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब पुलिस के पास पहले से पीएम का रूट था, उन्हें वहां पर जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे शहीद स्मारक पर। ऐसे में पंजाब पुलिस की गलती यहां पर यह सामने आती है कि उन्हें पता होने के बावजूद भी उन्होंने सही टाइम पे सही कदम नहीं उठाए। ये बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है इसको, और इसी वजह से एमएचए ने भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है वो तलब की है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है पंजाब पुलिस की चौकसी पर, पंजाब सरकार पर। कुलबीर, राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है, ये भी जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि चन्नी जी ने फोन भी नहीं उठाया। देखिए कितनी सच्चाई है आरोप प्रत्यारोपों में ये एक जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि किसी राज्य में प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो पूरी जिम्मेवारी जो है वो सुरक्षा की भी और उनका जो रास्ता है उसको कोई अवरुद्ध ना करे इसकी भी पूरी जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। लेकिन पंजाब में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले को वापस जाना पड़ा और इस तरह के हालात बने हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही जो है पंजाब की तरफ से इसमें सामने आई है। पंजाब सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए फिलहाल कोई रिएक्शन जो है पंजाब की तरफ से नहीं आया, लेकिन जिस तरह से एमएचए ने भी रिपोर्ट मांगी है तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि पंजाब की तरफ से भी रिएक्शन जो है वो जल्द ही सरकार जो है अपनी सफाई में कुछ ना कुछ जरूर कहेगी। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी, उन्होंने कुछ कहा कि कैसे ये चूक हो गई? देखिए फिलहाल जैसे मैंने बताया कि कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से भी नहीं आया, तो वही पुलिस की तरफ से भी कोई रिएक्शन फिलहाल नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है क्योंकि बड़ा मामला है और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और एमएचए ने भी इसकी रिपोर्ट मांगी है, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो और पंजाब सरकार दोनों इस पर अपनी प्रतिक्रिया या जो स्पष्ट है स्थिति उसको जरूर सामने रखेंगे। कुलवीर, आपसे जानना चाहेंगे, फिरोजपुर रैली रद्द हो गई थी, वहां से हुसैनीबाग की तरफ जा रहे थे, फ्लाईओवर पर काफिला रुक गया, किस तरह का वो इलाका है, कितना दूर वहां से शहीद स्थल है और जो अल्टरनेट रास्ता है क्या कोई और हो सकता था अगर उनको पता था कि भैया वहां पर आंदोलन कर रहे हैं लोग, रास्ता रोक के खड़े हैं? देखिए इतनी जल्दी अल्टरनेटिव रास्ते जो है वो तलाश करना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये हाईवे था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था और बाकी जो रास्ते थे वो बेशक लिंक रोड थे, लेकिन वहां पर उन रास्तों से निकलना और भी ज्यादा ये कहें कि इतनी जल्दी उसकी व्यवस्था नहीं हो पानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो रास्ता था कम से कम वो रास्ता उसका मैप जो है वो पंजाब पुलिस के पास था और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके पास भी था, लिहाजा उस रास्ते को क्लियर नहीं रखा गया, ये एक बड़ी लापरवाही जो है वो जरूर सामने आई है क्योंकि यदि किसान वहां इकट्ठा हो रहे थे तो उनको क्यों नहीं हटाया गया, ये एक बड़ा सवाल जो है वो जरूर सामने खड़ा हो रहा है। अकुलवीर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, जो चाहे पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के नेता हों उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी चूक है, क्या कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन या फिर सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और ना ही पंजाब पुलिस की तरफ से रिएक्शन आया है, लेकिन जिस तरह का मामला हुआ है, जिस तरह की घटना हुई है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है सरकार पर भी और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो इंतजाम है उन पर भी, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराज जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। जी कुलवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सहयोगी कुलवीर थे जो बता रहे थे कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, पंजाब सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, हालांकि बहुत बड़ी चूक इसे माना जा रहा है। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि ठीक फ्लाईओवर के ऊपर आकर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट के लिए फंस जाता है और ये बेहद ही
चिंताजनक बात है। हालांकि राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो प्रधानमंत्री का रूट लगा है उसको वो सुरक्षा मुहैया करवाए, काफिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG के ऊपर होती है, लेकिन जो पूरा रूट है उस पर स्टेट पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, स्टेट पुलिस की जो एजेंसीज हैं वो तैनात रहती हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक हुसैनीबाग पहुँचने से लगभग 30 किलोमीटर पहले ही प्रधानमंत्री का काफिला फंस जाता है, जबकि इसकी पहले से जानकारी सरकार के पास थी। इस पर राजनीति जरूर होगी, इस पर सियासत होगी, इस पर आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री के काफिले में ये 20 मिनट तक यहाँ पर रुकना और उनके सुरक्षा में चूक हुई है और इसके लिए जवाब लिया जाना चाहिए, तो चाहे वो पंजाब सरकार से हो या फिर जो दूसरी एजेंसीज हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी चूक सामने आई है। PM के काफिले को 20 मिनट तक फ्लाईओवर के ऊपर रुकना पड़ा, फिरोजपुर रैली रद्द हो गई थी, प्रधानमंत्री शहीद स्थल पर जा रहे थे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उसके बाद उनका काफिला फंस जाता है फ्लाईओवर के ऊपर। ये बताया जाता है कि उससे आगे आंदोलनकारी मौजूद थे जिन्होंने रास्ता रोका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि उस वक्त पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री के काफिले तक आने कैसे दिया इन प्रदर्शनकारियों को। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक फ्लाईओवर पर फंसा प्रधानमंत्री का काफिला और दूसरा प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर। और प्रधानमंत्री को वहां से फ्लाईओवर से वापस लौटना पड़ा, वो अपने निर्धारित कार्यक्रम में नहीं जा पाए। तो PM मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द हुई और उसके बाद ये पूरी सियासत भी शुरू हो गई। उसके बाद JP नड्डा का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सौगात देने जा रहे थे, लेकिन और उन्होंने आरोप भी लगाया कि चन्नी ने उसके बाद मुख्यमंत्री पंजाब ने फोन तक नहीं उठाया। तो राजनीति होगी, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि संवैधानिक पद पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो सबके प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाना ये माफ नहीं किया जा सकता। जवाब दिया जाना चाहिए, जवाब लिया जाना चाहिए और जिसकी भी गलती हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और फिरोजपुर का जो ये पूरा इलाका है सीमा से सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में यहाँ पर अलर्ट लेवल भी हाई होता है जी। और BJP सांसद हंसराज हंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसराज हंस जी, बड़ी चूक माना जाएगा इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में? बहुत बड़ी चूक जी, बहुत बड़ी, इससे बड़ी नालायकी क्या हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट की कि PM साहब आ रहे हों और सिक्योरिटी में इतना बड़ी कोताही, और वो कुछ देने आ रहे थे, बहुत कुछ पंजाब को देना था। हंसराज जी, राजनीति अपनी जगह है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री सबके होते हैं और ऐसे में जो प्रोटोकॉल होता है आपको उसे फॉलो करना चाहिए। वही तो बात है जी, वही तो बात कर रहा हूँ जी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है, यहाँ मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, पर पता नहीं कितने सख्त दौर से हम गुजर रहे लोग हैं कि अपना विरसा भूल रहे हैं, विरासत भूल रहे हैं, प्रधानमंत्री सबके साझे हैं। वैसे भी कोई मेहमान आ रहा हो तो उसको वेलकम कहना चाहिए, वेलकम। बिल्कुल हंसराज जी, जी जी, चलो चलो मोड़ो यार, तुसी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चन्नी जी ने फोन तक नहीं उठाया, बहुत बुरी बात है। चन्नी जी को पता होना चाहिए कि सरकारें बदलती रहती हैं, आती जाती रहती है, एक ग्रेस, एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम, एक ग्रेस होती है, वो तो नहीं भूलना चाहिए ना। ये क्या है, फॉर ए सर्टेन पीरियड पावर्स आती हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्या इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी या इसके खिलाफ आवाज उठाएगी? अभी तो स्टेज से उतरे हैं, देखते हैं, बड़े लोग मीटिंग शीटिंग करेंगे, देखते हैं जो भी, मुझे नहीं पता अभी, अभी तो फिनिश हुआ ना जी रैली वाला। धन्यवाद हंसराज हंस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हंसराज हंस थे, BJP सांसद, जिनका कहना था कि पार्टियां अलग जगह हैं लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये
बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा फ्लाईओवर के ऊपर, पीएम की सुरक्षा में ये बड़ी चूक माना जा रहा है। पंजाब पुलिस के ऊपर, पंजाब सरकार के ऊपर सवाल या निशान खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उन्होंने कहा है कि ये साजिश भी हो सकती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले में ये चूक हुई है, सुरक्षा चूक हुई है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा गौरव का रुख करते हैं। गौरव, एमएचए ने इस पर जवाब मांगा है, क्या जवाब मांगा है, क्या जानकारी आपके पास? और देखिए फिलहाल रमन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के पहले से ही पंजाब के डीजीपी को सारी जो एडवाइजरी थी वो भेज दी गई थी, लेकिन ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक तो है, और इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने भी इस पर पंजाब के डीजीपी और पंजाब सरकार से भी जवाब मांगा है कि आखिर सुरक्षा में ये इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। हालांकि सोर्सेज इस बात की जानकारी दे रहे थे कि ये एक दिन पहले ही इनपुट्स जो थे लोकल पुलिस के पास आ गए थे कि जो किसान संगठन है, खास करके कुछ किसानों का वो संगठन जो लगातार सरकार से नाराज चल रहा था, तो उसके कुछ कार्यकर्ता इसमें प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखा सकते हैं, ये तो जानकारी पुलिस महकमे को थी। लेकिन ये जानकारी नहीं थी किसी तय रूट पर इस तरीके से आकर के उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि अब मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस पर गृह मंत्रालय जो है स्ट्रिक्ट हो चुका है, और पंजाब के डीजीपी से और पंजाब सरकार से इस पर पूरा जवाब मांगा है कि आखिर इस तरीके की चूक क्यों हुई है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि शाम 4 बजे इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे दौरे को लेकर के जो चूक हुई है इस पर जो पंजाब सरकार को कटघरे में यानी लेने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब मामला हो राज्य सरकार का, तो ऐसे में कोई मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि पंजाब में किस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी जो चूक हुई है, उसके बाद से बीजेपी और हमलावर हो गई है। वहीं पर अगर हम बात करें जेपी नड्डा की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उन्होंने साफ कहा है कि किसी प्रकार का कोई भी सहयोग पंजाब सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा था शुरुआती तौर पर ही। हालांकि ये बात बहुत आश्चर्य करने वाली है कि एक पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करना चाहे, तो उस पर भी स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पा रही, यानी कि कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, मुख्यमंत्री फोन पर नहीं आ रहे थे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के महकमे में काफी हड़कंप मचा हुआ है, और दिल्ली के अंदर भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी हेड ऑफिस है वहां से भी लगातार जो है गहमा गहमी का माहौल है। खास करके अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय ने यह तय करने के लिए कहा कि जिस रूट से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, क्या उस रूट का पहले से कोई मॉक डील है, वो नहीं किया गया था। क्योंकि एहतियातन जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं और जिस रूट से होकर के उनको गुजरना होता है, तो लोकल जो पुलिस होती है और जो इंटेलिजेंस की टीम होती है वो पहले ही एक्टिव रहती है। तो यानी कि ये बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जाएगा रमन, क्योंकि निश्चित तौर पर जो प्रस्तावित दौरा था, और देखिए इसमें भारतीय रेलवे की अगर बात करूं, क्योंकि पूरे जो तरीके जो ये कार्यक्रम था वो भारतीय रेलवे को भी समर्पित कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री की रैली अपनी जगह पर थी, तकरीबन 400 करोड़ से ज्यादा बड़ी परियोजना का जो एक शुरुआत था वो यहां पर किया जाना था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे। लेकिन ये एक जब सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जिसके बाद से इस पूरे दौरे को रद्द किया गया, ये वाकई में काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। और 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जो प्रूफ है वो दिए जाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस पूरे दौरे को लेकर के उदासीनता दिखाया है। खास करके उस समय अगर चन्नी की बात करें, खुद जेपी नड्डा चन्नी से बातचीत करना चाह रहे थे, चन्नी फोन पर अवेलेबल नहीं हो रहे थे। इस तरीके की बातें वाकई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे कार्यक्रम, गौरव वापस आएंगे आपके पास तमाम जानकारी के लिए, लेकिन ये एक लेटर लिखा गया है, सिक्योरिटी ब्रीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब का ये जो दौरा था, आज सुबह प्रधानमंत्री भटिंडा पहुंचे, उसके बाद वो शहीद स्मारक में जाने वाले थे, राष्ट्रीय शहीद स्मारक में हुसैनीवाला में, हेलीकॉप्टर से बारिश और खराब विजिबिलिटी के चलते 20 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया कि जो मौसम है वो साफ हो जाए, लेकिन जब मौसम साफ नहीं हुआ तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो जो शहीद स्थल है वहां सड़क से जाएंगे, जिसमें 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना सफर शुरू किया, पूरा कंफर्मेशन लेने के बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर बात हुई डीजीपी पंजाब से, यानी आप समझ सकते हैं उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनी वाला जाना था, लेकिन मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी, इसलिए उन्होंने रोड से जाने का फैसला लिया और उसकी जानकारी डीजीपी पंजाब पुलिस को दे दी गई। 30 किलोमीटर पहले नेशनल मार्टियर मेमोरियल हुसैनी वाला से, यानी शहीद स्थल से 30 किलोमीटर पहले
जब प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है, जो उनका काफिला है, फ्लाईओवर पे आता है, तो ये पता चलता है कि आगे कुछ आंदोलनकारियों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, मैं अपने किसान भाइयों से भी, मैं अपने पंजाबियों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, जरा सोचो हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है। आज की ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है, कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है, और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पे लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अपनी दूरंदेशी देखी। और आज मैं जरूर पंजाब के लोगों को फिर से आग्रह करना चाहता हूं, ये जिस तरह से आपको आग में धकेला जा रहा है, जिस तरह से आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाला जा रहा है, केवल कांग्रेस की एक ही मंशा है, फिर से पंजाबियों को, सिखों को 1980 के दशक में लाकर उसी तरह लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए और उनका नुकसान किया जाए। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है, अगर सत्ता हासिल करने की ISI और पाकिस्तान की सोच के साथ कांग्रेस काम कर सकती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक कांग्रेस है आज हम सबके लिए। वो आपने सुना और साथ ही साथ ये लेटर लिखा गया था, और अपने दर्शकों को फटाफट से इस लेटर के बारे में बता देता हूं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भेजा गया है। तो उसमें सीधा सीधा कहा गया था कि प्रधानमंत्री का ये पूरा का पूरा प्लान था जिसमें उन्हें हुसैनी वाला जो कि शहीद स्मारक है वहां जाना था, हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन जो लो विजिबिलिटी थी और उसके चलते, बारिश और लो विजिबिलिटी के चलते ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ और ये निर्णय लिया गया कि रोड से प्रधानमंत्री जाएंगे जिसमें 2 घंटे का वक्त लगता है। और इसकी जानकारी DGP पंजाब पुलिस को दे दी गई। 30 किलोमीटर पहले हुसैनी वाला शहीद स्थल से 30 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो कि आंदोलनकारी हैं, जो कि रास्ते में रोड रोक कर खड़े हुए हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ी चिंता की बात है जो यहां पर लिखी गई है कि प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर के ऊपर 15 से 20 मिनट तक रुका रहता है। और इसी को हाईलाइट यहां पर किया गया है कि दिस वाज अ मेजर लैप्स इन द सिक्योरिटी ऑफ PM, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये सबसे बड़ी चूक थी कि फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहता है और आगे का रास्ता जो प्रोटेस्टर है या आंदोलनकारी है उन्होंने वहां पर रोका रहता है। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है, जो ट्रेवल प्लान है, वो एडवांस में कम्युनिकेट कर दिया गया था पंजाब सरकार को। और आम आदमी पार्टी के नेता नील गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नील गर्ग जी, इसे चूक माना जाएगा, गलती किसकी माने यहां? देखिए सर, सिक्योरिटी चूक तो एक बहाना है, असली लोग तो ये है कि लोग इनको सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। इनका ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, रैली में लोग आए ही नहीं थे, बहुत देर से जो चैनल वाले अलग अलग चैनल दिखा रहे थे कैसे VIP कुर्सियां खाली पड़ी हैं, पब्लिक की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। सर, रैली बंद हो गई थी, ये हुसैनी वाला जब जा रहे थे उस वक्त ये सिक्योरिटी चूक हुई है? नहीं देखो, यदि सिक्योरिटी चूक है तो इसका तो ये पंजाब सरकार को, यदि उन्होंने पहले से ये पूरा प्लान दिया होता है वो तो अलग बात है, प्लान दिया हुआ था पहले। लेकिन असली बात तो ये है कि जो जो चूक है ये एक बहाना है, लेकिन पंजाब चेन्नई गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अपोलोजाइज टू द सेंटर एंड आई अप्रिशिएट MHA शुड इमीडिएटली इंटरवीन दिस मैटर, गेट अ रिपोर्ट एंड टेक सुटेबल एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज हू आर इन्वॉल्वड इन दिस। जी दिलगोग जी, सिक्योरिटी चूक मानते हैं कि नहीं मानते आप इसे? पंजाब गवर्नमेंट की कोई गलती मानते हैं कि नहीं इसमें? देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो बेसिक रीजन रैली को रद्द करने का है, ठीक है, वो ये है कि लोग वहां पे आए नहीं, लोग रैली में पहुंचे नहीं, कुर्सियां खाली पड़ी थी, चैनल सुबह से दिखा रहे थे, जब वहां था ही नहीं, किसको संबोधन करने जाते प्रधानमंत्री जी? गर्ग साहब, जो चूक हुई है वो फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा, और तमाम अगर आप राजनीतिक विचारधारा को किनारे रख दें तो प्रधानमंत्री तो सबके हैं और ऐसे में इस तरह की चूक होना गलत है। हाँ बिल्कुल, जहां तक सुरक्षा में चूक की बात है तो ये तो पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको पहले से ये प्रोग्राम दिया गया होगा, उन्होंने ये प्रोग्राम उसकी ढंग से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए तो उनकी गलती है। लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं, सुरक्षा में चूक एक इशू है और रैली को रद्द करना दूसरा इशू है। जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रैली को रद्द करना सुरक्षा की चूक के साथ हम जोड़ के नहीं देख सकते हैं, ये तो सुबह से ही लग रहा था कि रैली। तो मैं सवाल कर रहा हूँ सर, मैं तो दोनों को जोड़ ही रहा हूँ, जोड़ ही नहीं रहा हूँ, आप ही दोनों को जोड़े हुए।
हुए हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि उसमें फ्लाईओवर पर जो रोका गया प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक, वो सुरक्षा में चूक है और इसके लिए जिम्मेदार है पंजाब सरकार। बिल्कुल पंजाब सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। तो क्या आम आदमी पार्टी सवाल उठाएगी पंजाब सरकार के ऊपर? नेचुरली है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यदि कोई चूक होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह मंत्रालय की पंजाब की है और पंजाब गवर्नमेंट की है, उसके ऊपर तो सवाल बनता ही है। जी नील गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा चूक हुई है और ये तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई हैं और साथ ही साथ ये लेटर भी लिखा गया है पंजाब को, पंजाब गवर्नमेंट को, और एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। और हमारे सहयोगी गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, सियासत शुरू हो गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री सबके होते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक अगर किसी फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा रहता है तो ये बहुत बड़ी चूक है और सियासत को किनारे रखकर इस वक्त उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने इस तरह की गलती की। अब बिल्कुल देखिए रमन, खास करके लगातार क्योंकि पंजाब की जब बात आती है तो आम आदमी पार्टी भी वहां पर काफ़ी एक्टिव पॉलिटिक्स की भूमिका में है। मैं सुन रहा था जो उनके लीडर्स फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि कुर्सियां खाली थी, वीआईपी पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि इस वजह से एक रीज़न उनके तरफ से था। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल इशू अगर बना है तो जाहिर सी बात है ऐसे जो रिएक्शंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के निकल करके आएंगे। 4 बजे भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और गजेंद्र सिंह शेखावत इस पर इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि दरअसल कार्यक्रम को रद्द क्यों किया गया। देखिए अगर कार्यक्रम को रद्द करना होता, हम लोग भी लगातार कवर करते हैं जब प्रधानमंत्री का कोई प्रस्तावित कार्यक्रम है और अगर उसको रद्द किया जाता है तो बकायदे इस बात की जानकारी पीएमओ पहले ही दे देता, घंटे दो घंटे पहले ही इस बात को शेयर कर दिया जाता कि प्रधानमंत्री उस लोकेशन पर ही नहीं जाएंगे, स्पष्ट हो जाता कि कार्यक्रम रद्द हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा प्रोटोकॉल जो है वो वहां पे फॉलो किया गया और प्रधानमंत्री जब वहां पे पहुंचे, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार जो रिमझिम बरसात हो रही है और ये बरसात सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि सभी जगहों पे हो रही है, मौसम की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब थी तो इस वजह से गौरव ये कार्यक्रम जो था जो कि हेलीकॉप्टर से जाने का था उसको बदलकर रोड से जाने का प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया था कि हुसैनीवाला हम जाएंगे तो रोड से जाएंगे और उसी वक्त ये बड़ी चूक सामने आई। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी, तमाम अपडेट हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो भी बड़ी खबर आपको बता दें, मैं भटिंडा एयरपोर्ट से जिंदा वापस लौटा है, अपने सीएम को शुक्रिया कहना, एएनआई का ट्वीट। मैं भटिंडा एयरपोर्ट से जिंदा लौट पाया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अपने सीएम को शुक्रिया कहना, ये एएनआई ने ट्वीट किया है, न्यूज एजेंसी ने। मैं भटिंडा एयरपोर्ट से जिंदा लौट पाया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अपने सीएम को शुक्रिया कहना, एएनआई ने ये ट्वीट किया है। मैं भटिंडा एयरपोर्ट से जिंदा लौट पाया, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर कुछ अधिकारियों को यह बात कही, अपने सीएम को शुक्रिया कहना। और यहां पर यह ट्वीट है जो कि न्यूज एजेंसी ने ट्वीट किया है, ऑफिशियल्स एट भटिंडा एयरपोर्ट टेल एएनआई दैट पीएम मोदी ऑन हिज रिटर्न टू भटिंडा एयरपोर्ट टोल्ड ऑफिशियल्स देयर, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। तो ये ट्वीट सामने आया है, न्यूज एजेंसी ने यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भटिंडा एयरपोर्ट पर जो ऑफिशियल थे उनको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, ये ट्वीट सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से ये बात कही कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया, अपने सीएम को शुक्रिया कहना। एएनआई ने, न्यूज एजेंसी ने यह ट्वीट किया है और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पर यह बात वहां अधिकारियों से कही कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहिएगा कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौट पाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला जा रहे थे शहीद स्मारक पर और विजिबिलिटी कम होने के चलते उन्हें रोड से जाना पड़ा। 30 किलोमीटर पहले उनका काफिला एयरपोर्ट पर थे, 30 किलोमीटर हुसैनीवाला से पहले उनका काफिला एक फ्लाईओवर के ऊपर फंसा रहा, उसके बाद वो वापस भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे और फिर दिल्ली आए और भटिंडा एयरपोर्ट पर ये बात उन्होंने ऑफिशियल जो वहां थे एयरपोर्ट के अधिकारी थे उनसे ये बात कही। ये न्यूज एजेंसी एनआई ने ये ट्वीट किया है और ये कहा ऑफिशियल्स को कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया।
तो ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक हुई है। इस पर सियासत होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। 20 मिनट तक उनका काफिला फ्लाईओवर के ऊपर रुका रहा और ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं जो एनआई ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं वापस बठिंडा एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया।